एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। पहले तो मेरी तरफ से मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आप सभी का नया साल अच्छा रहे और हम सबका नया साल बहुत बहुत अच्छा रहे, हम बहुत अच्छे अच्छे काम करें। तो उसके बाद मैं आपको अनाउंस करने वाली हूँ, एक नया बहुत बड़ी चीज़ है जो कि मैंने सोचा है। आई होप मैं इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँ और अगर आप सभी लोगों का साथ रहा तो डेफिनेटली कर पाऊँगी। चैलेंज ये है कि मैंने सोचा है कि मैं 2024 में 365 डे डेली व्लॉगिंग करूँगी। जो भी मैं अपना रूटीन करती हूँ, जो भी है, मैं सब कुछ आप लोगों को व्लॉग के थ्रू प्रेजेंट करूँगी एंड आई होप आप सभी को ये चीज़ अच्छी लगेगी। और मेरा ये भी है कि 2024 में हम अपने YouTube फैमिली को एक बहुत बड़ी YouTube फैमिली बना लें। जो भी लोग अभी मेरे साथ हैं वो सब, हम सब मिलके बहुत बड़ी YouTube फैमिली क्रिएट करेंगे। और अभी हम करते हैं अपने दिन की शुरुआत। यहाँ मैंने सबसे पहले ल्यूक वॉर्म वाटर पी लिया, वो आप सभी भी पिया करो, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद मैंने पी लिया अपना ये हेल्दी सा शेक। और अगर इसकी रेसिपी भी आपको चाहिए होगी तो मुझे पक्का बताना यार, मैं सब सबको दूंगी और तुम सब भी शेक पी के तगड़े हो जाना। तो आज एक्सरसाइज वगैरह नहीं है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा, बिल्कुल मन नहीं कर रहा एक्सरसाइज करने का। मैं क्या, ठीक है यार आज छुट्टी कर लेते हैं। अभी हम फटाफट से नहा धो के रेडी हो जाते हैं और मंदिर वगैरह जाएंगे और आगे का जो जो भी रहेगा, जो भी होगा, वो सब कुछ मैं आपको शो करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट अवर डे। तो बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, बहुत सारी फॉग और ठंड का कहर बहुत ही ज़्यादा है। आज का व्यू कुछ ऐसा है कि ठंड है, धूप वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, जिससे कि हमें कपड़े वगैरह सुखाने में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्या मम्मी जी, ये देखिए हमारी मम्मी नए साल पे भी अभी तक सोई हुई है। क्या विचार है आपका बताइए, अभी तक भी आंखों को मीच रही है कि मैं उठूँ या ना उठूँ। तो हैप्पी न्यू ईयर, से हैप्पी न्यू ईयर। ये तो है नहीं भाई, इनका तो अभी सोने में ही है। गुड मॉर्निंग पापा जी। हाँ? राधे 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 राधे, हैप्पी न्यू ईयर। हमारा सेम टू यू जी। अच्छा जी, कहाँ हो आप? साल बढ़िया रहे, खुशियाँ मनाओ, बदो फलो, अकल दिया भगवान सबसे पहला। ठीक है जी, सतबुद्धि। ओके जी, थोड़ी सतबुद्धि, ठीक है। ओके जी, हाँ क्रोध खत्म हो। और फिर क्या प्लानिंग है न्यू ईयर की? बुलाने तो सो, जितना मैडम बोलगी उतना कर लेना है। ठीक है, मालिक जितना बोलोगे। मालिक है? मालिक मालिक, हाँ मालिक। उठ जाइए माता जी, अब बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल भगवान से यही है कि आपको भगवान दे आपको सदबुद्धि। सदबुद्धि बिल्कुल नहीं पता लगा रहा। तो अभी हम चलते हैं। तो ये जो जंगल है आपको मेरे अराउंड दिखाई दे रहा है, इस जंगल के बीचों बीच ही बना है ये मंदिर। तो आपको इसका मैं बताती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मतलब पता लगता है इन चीज़ों से कि भगवान की शक्ति कितनी ज़्यादा है। ठीक है, वो फैक्ट क्या है कि इस जंगल की जो लकड़ी है, जैसे बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे और इवन कि बहुत एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगी जो लकड़ी बिकती है ना, वो वाले पेड़ भी हैं इस जंगल के अंदर। बट क्या चीज़ है कि इस जंगल की लकड़ी है ना, वो कोई काट नहीं सकता, यहाँ का एक भी पेड़ कोई काट नहीं सकता। अगर कोई काटता है, अपने घर लेके जाता है या अपने बिजनेस में यूज़ करता है, तो उसका बिजनेस ज़ीरो हो जाएगा। और अगर कोई अपने घर ले जाता है बाई चांस, इवन मेरे घर के पास ये चीज़ हुई भी थी कि कोई बच्चा गलती से, क्योंकि यहाँ पे शमशान घाट भी है
तो वहाँ पे जैसे डेड बॉडीज होती हैं उनको जैसे लास्ट टाइम अंतिम संस्कार करने आते हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली जहाँ पे शिवजी भगवान का मंदिर होता है वहाँ पे अंतिम संस्कार करने वाली प्लेसेस भी होती ही हैं। तो जब वो लड़का ले गया तो उसके बाद क्या हुआ कि उनके घर में रैपिडली, बहुत रैपिडली डेथ्स होनी स्टार्ट हो गई। तो ये है इस स्पेशल मंदिर का मतलब रहस्य बोल सकते हैं, बहुत ही रहस्यमय मंदिर है और इसका नाम है श्री द्रोणाचार्य मंदिर। तो आप जब भी हिमाचल आएँ तो आप ऊना डिस्ट्रिक्ट के ये गगरेट में है मंदिर, आप यहाँ पे डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं, आइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और पिंडी इतनी मतलब रैंडमली बनी हुई है ना, जो उस बच्चे ने बनाई थी वही पिंडी यहाँ पे आज तक भी है जो शिवजी भगवान ने खुद अपने हाथों से रखी थी। तो ये मंदिर का विजिट कम्प्लीट हो गया है, अब हम चलते हैं घर और कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, तो देखते हैं आज क्या बना है स्पेशल। टमाटर यार पता क्या हो गया था, मैं उन्होंने बोला कि 20 रुपए की गोभी खाते, तो उन्हें बोला 20 रुपए पूरे करने वास्ते उन्हें ये गोभी देती, ये टमाटर दे दिए और ये दे दिए मिर्ची। तो ये जो अभी लैंग्वेज में मैंने बोला थोड़ा सा वो है हमारी लोकल लैंग्वेज। और ये बन रहे हैं परांठे, मम्मी के हाथ के सम स्पेशल न्यू ईयर की रेसिपी। कितनी देर में मिल जाएंगे परांठे हमें? हाँ अंकल वाला सीन देखने के बाद अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप। मर्डर हो गया अंकल, पेट्रोल मर्डर हो गया अंकल का। मर्डर तो नहीं हुआ अंकल, बच गया बेचारा बाल वाल, नहीं तो नए साल वाले दिन हमारा वाला कांड हो जाना था। तो अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, तो पेट्रोल डलवाना है क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे कि हमारे यहाँ पे 3 दिन की हड़ताल है पेट्रोल पंप वालों की, पेट्रोल पंप बंद रहेंगे सारे। हम पहले ही अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा के सिक्योर करके रख लेते हैं ताकि अगर हमारा कभी गेड़ी मारने का मन करे, है ना भाई, साथ में कभी भी ये इमरजेंसी में जाना पड़ गया अगर, हमारे पास गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए सिक्योर। देखो कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे, इसीलिए क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे 3 दिन पेट्रोल पंप सारे बंद रहेंगे। जिनको ही पता है वो ऑलरेडी अपने पेट्रोल डलवा के रख रहे हैं कि उनको बाद में कोई दिक्कत ना हो, जैसे कोई जॉब जाने वाले हैं सब बंदे, तो हम भी डलवा लेते हैं। दू, दू, दू। तो बहुत सारी जेद है पाया मैंने, बंदे पर बंदा चढ़ चुका है बंदे पर बंदा हल्ले जाते नहीं चढ़े बंदे पर बंदा। डोसे के साथ हो रही है आज के व्लॉग की एंडिंग, इसकी शक्ल में मत जाना, ये टेस्ट में काफ़ी अच्छा था और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया फैमिली के साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और इस व्लॉग को बहुत 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 ज़्यादा प्यार देना कि मैं मोटिवेटेड रह पाऊँ 365 व्लॉगिंग के लिए। टिल देन लव यू, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना।